अर्जुन राम जीरो गोद लियुड़ो गांव है और गांव की स्थिति आप देख लो। हर काम रे मियां याठे मारो गांव पिछड़ी पिछड़ी सबसे। और हालात भी क्या है कि मजबूर कर दे इंसान ने हर चीज लिए। नाम मैं सुदेश थे, देख रहे हो झलको बीकानेर चैनल है। यदि अब तक थे सब्सक्राइब नहीं करियो है तो सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर लियो और कन्ने शेयर को निशान है शेयर भी कर दियो और कन्ने एक बेल आइकन है बिना भी थे दबा दियो ताकि कोई भी वीडियो आओगो नोटिफिकेशन थार कन्ने पहुंचेगो। आज आप आएड़ा हाँ कोला सर गाँव के माइन आएड़ा हाँ व्यू बताना चाहवांगा थाने एक बार बीकानेर पश्चिम क्षेत्र को और सब लास्ट गाँव आप मानस कहाँ कि यूं भी आगे कई गाँव है लेकिन मोटो गाँव है जो को बीकानेर क्षेत्र को आखिर गाँव भी मानस कहाँ पा कोला सर पश्चिम इन बोले। देखो एक बार व्यू देखो थे चारा पास को एक बार व्यू देखो और देखो कि ई बंजर भूमि के बीच में भी लोग है जो बसेड़ा है चारा पास सिर्फ और सिर्फ एक खींप नजर आवेगा सिर्फ और सिर्फ कचरो नजर आवेगा और आगे बीच में है जो ओ गांव है जो बसेड़ो है। अगर आप अब बात करा कि गांव के विकास की कि गांव में विकास होएड़ो है या कोनी लॉकडाउन की जकी के स्थिति है इंगवाई ने और के है जो कोई गांव में विकास को स्तर है कि अभी तक पॉजिटिव वगैरह कितना है गांव में अल कोई को भाई कौन आज तक जीरो है के जीरो अच्छा, जीरो और लोग घरों बारे निकले है को निकले को निकले नाल तो अच्छा को निकले है तो आप बात कर पंचायत है क्या कोला सर पंचायत अच्छा अभी नहीं बनी है क्या नहीं अच्छा अब की बारी बनी है अब की बारी नव निर्मित जगह सरपंच है आप यहाँ केस का कोला सरपंच का हाँ कोला सरपंच है अच्छा कोला सर का नया सरपंच है तो आप एक मूलभूत प्रश्न करांगा एक बात करांगा कि ये गांव में विकास की के कमियां है विकास के होनो चाहिए है पानी की कमी है पानी की कमी है सर मतलब पानी आवे कठू है यहाँ 5 फीट ढाणी अच्छा कितना किलोमीटर रह गए 8-9 किलोमीटर है 9 किलोमीटर मस्क थोड़ा ऊपर कर लो 9 किलोमीटर है ऊपर हाँ। अच्छा 9 किलोमीटर दूर हूँ पानी आ रहे है तो वो पानी है जो को वाटर वर्क्स के द्वारा आ रही हो या फिर टैंकर के द्वारा वाटर वर्क्स सप्लाई टाइम टू टाइम हो रही है क्या सप्लाई नहीं हो रही है तो गांव में टूटी लग रही है अवैध अच्छा सप्लाई हो ही नहीं पा रही है तो नहीं तो कोई थे अभी प्रतिनिधि है बात कौन करी भी अवैध टूटी क्यों इन साहब बात करी एक बार आया टूटी कटाई वापिस लगा ली टूटी बिजली की टाइम टू टाइम आवा कौन आवा बिजली आवे कम ही जावे साहब कितना घंटा खंभा है कौन है एलईडी खंभा हां देखो तार ही साहब है एकदम नीचे है लाइट आओ को नहीं टूट जाओ तो कोई गौर करे को नहीं हाँ आराम में सर ली लिख दे और COVID-19 में जगह सरपंच प्रतिनिधि है सरपंच प्रतिनिधि क्या सार संभाल कर रहे काम की अभी तक तो उनको हाँ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं अच्छा नया ही सरपंच है मैं सुनियो नया और शौचालय की बात कर लिया तो आ ग्राम पंचायत है तो शौचालय कितनी परसेंट मात्रा में हो सके लमसम तो हर घर है हर घर में है सरकारी बनेड़ा है या प्राइवेट बनेड़ा है सरकार या प्राइवेट ही है अच्छा दोनों ही है मतलब प्राइवेट तो कह देंगे मतलब लोग खुद के पीछा बनाया है और सरकारी है जो की सुविधा है वे मिले करे काफी युवा है युवाओं बात करांगा तो एक युवा सोच होने के नाते और एक युवा पीढ़ी में कदम रखने के नाते थे के अच्छा हुई गांव में के विकास होना चाहिए विकास लाइट आ रहा है पानी सुविधा और के अच्छा और स्कूल कितने तक है स्कूल 8वीं तक है 8वीं तक है तो अभी जो यहाँ नई पंचायत बनी है तो अब तो 12वीं तक होना चाहिए 12वीं तक होना चाहिए हाँ। तो कोई आवाज उठाई के भी जल्दी में जल्दी 12वीं तक करियो जाओ आवाज उठाओ कहीं करेगा हमारा अच्छा आवाज तो घनी उठा 3 साल हो गया आवाज उठाता ना 8वीं में मतलब 8वीं पढ़ने के बाद में 8वीं क्या गिरा से मार बाजार लागे बट कोई बच्चों है या बच्ची ठीक है बच्चा फिर भी 10वीं या 12वीं तक कर ले पर बच्ची 8वीं बाद में स्टॉप हो जाओ बाद में आगे पढ़े को तो आज समस्या है और एक मेन समस्या है पानी वाली थी पानी वाली पाइपलाइन अबार भी बंद है मैं डिग्गी में मान लो टंकर रखा हुआ तो वो डिग्गी में 500-600 रुपया ना वो बिल्कुल आरो पानी है तो वह पानी वाली बहुत बड़ी समस्या है और 8वीं बाद में जो की लड़कियां हैं वे लड़कियां तो बिल्कुल ही कौन जा सके लड़का तो फिर भी बाहर जा सके लड़का मान लो एक गिरासर है नगरासर बाबू कोई साधन सुविधा हो या खुद रो मोटरसाइकिल ले जावे वो ही जा सके बाकी लड़की तो बिल्कुल 8वीं स्टॉप होता ही खत्म है स्कूल तो बेटी पढ़ेगी नहीं तो केवे है कि बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ तो बात तो फिर जुमलो ही है खाली एक आप यहाँ किसका और वो बीकानेर को पश्चिमी क्षेत्र को यहाँ किसका आगे किता गांव है आगे 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 है पंतपीधानी है भी बाद में गिरासर है पंतपीधानी में भी तो नहीं बंग आसे पासे तो मतलब NH वगैरह आगे की विकास है मतलब कोला सर के आसे पासे तो मान की कौन लग रहे हो आस पास कौन नहीं तो आस पास बिल्कुल भी कौन अब US वगैरह जितना भी है लगभग सब छोड़ रखे स्कूल तो क्योंकि सुविधा इतनी बढ़िया को नहीं बाहर जा रही था पढ़ कौन सके सरपंच साहब है जगह जुड़ेड़ा है और सरपंच साहब आप बात करांगा एक पिछले एपिसोड में थे देखियो वे लोग कि देवी सिंह भाटी जुड़ेड़ो वो गांव हो देवी सिंह भाटी साहब और बांगा जगह वे सरपंच हा सरपंच प्रतिनिधि और कई सालों सरपंच ही कर रहा वे आ बात कह रहा कि मारी आवाज है जो कि विधानसभा तक कौन पहुंचे तो आज आ सरपंच साहब की क्या हालत है नई पंचायत है नया सरपंच है और आप पूछने की कोशिश करांगा राम राम जी राम राम जी राम क्या थारी आवाज क्या विधानसभा
पहुंचा है या फिर अठते साहब आज कई साल हुआ हमारे स्कूल है आठवीं तक पढ़ी है तो कोई सुविधा नहीं है हर काम रे मारो गांव पिछड़ी सबसे पिछड़ी है ओ बाबे लॉकडाउन ला गया लॉकडाउन रे साहब मोबाइल पालना करने पड़े मने हर काम रे मिया देखनी पड़े हर बात में दुकान बंद करानी हर बात में फिरता फिर घूमता रहा और कोई समस्या आ जाएगा हल तो है कौन सुने कोई है कौन कोई विधानसभा हाँ, एक जी की माने सुन मायो की थे भी नया हो और असर पंचायत भी नहीं है हाँ नो ही पंचायत है नो ही मैं सरपंच हाँ तो एक एक आप बात करा तो एक गांव में या देश में आप बात करा एक सिस्टम बनो 70 साल आजाद हो गया अपन 70 साल हो चुके हैं एक सिस्टम बनो कि एक जमीनी स्तर पर उतारियो जाओ सरपंच ने ताकि गांव में और भी पंचायत में है जो विकास हो सके लेकिन अगर थे लोग भी अगर बट तक आवाज नहीं पहुंचा पाओ तो आम लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है बिल्कुल खराब है हमारी आवाज कौन पहुंचे बैठे मन पूछे कौन है कोई कौन पूछे जगह मांग करा तो अठे बीच में जाओ बीच में रुक रुका जाओ हमारा कागजिया सरपंच बन गया तो कहीं बैठा रहा प्रधान साहब तक प्रधान साहब तक तो अब प्रधान साहब नुआ बैठा जी हमारे पहली बार बैठा है कौन है भागीरथ है तेतरवाल है तो भाई जावा दंड बे कह सुविधा करा अभी लॉकडाउन लाग गया अभी यहाँ हो गया फलान काम तो भाई कहे भाई ना कहना हमारे सारे हुए देना बहुत सारे हुए तो इस तरह कई समस्या है अब लाइट आए जो देख लो कहीं एक एक तार पड़ी है कोई तार नहीं है 20 बारी जार कह आया कह भी हमारे लाइटों पड़ जाए कोई नुकसान हो जाए तो कोई आवे कौन नहीं अच्छा अभी जयन कौन लागे था नेट लाइट जयन तो बार है मेरा नाम तो नाम ध्यान कौन है मतलब बज्जू लागे थे अवगत करायो हाँ माँ कहो कई बार कई बार कह चुका है माँ ने जयन कौन कह सके आइए ने कह चुका मैं तो कहाँ से हो जाए कोई नहीं हुए भार सिंह भाटिया आया जगद नहीं हुआ माँ बताई शिकायत तो कह दे हो जाए अब ओनर तो कहीं आई कौन बिल्कुल पूरे गांव में देख लो तारा पड़ी नीचे आदमी माथो टकरे इस तरह रही है माथा टकरे काटी देख लो तारा इस तरह पड़ी है तो हर काम है तो गांव में विकास है ना तो बिल्कुल की नहीं है बिल्कुल साफ है तो अब लाइटर बारे में तो साहब ना कई बार दे चुका हूँ लेटर पेड दे चुका मंत्री जी ने भी दे चुका हूँ और जयन भी दे चुका हूँ और कभी हर हमेशा आवाज तैयार दू बाकी गाँव रही लाइटर कोई सुविधा को देख लो गाँव लाइट का स्थिति है और आदर्श गांव है ये आदर्श है अर्जुन नाम मंत्री तो आदर्श वाले गांव है साहब कोई लाभ तक इनको नहीं मिली आदर्श गांव है और आदर्श पंचायत भी आप नयो है और भी हालत आए चिकित्सा की तो चिकित्सा के अठे व्यवस्था है कहीं कौन सर एक सब सेंटर बनीडो है मेरी बात सिस्टर ही बात चलती रही बी ने चाली ना 6 महीने ऊपर हो गया सीमच ऑफिस जा रहा मैं खुद लेटर पैड पर लिख कर दे रहे हो बात कर रहे हो कि एक दो दिन लाग जा 6 महीने आ गया बिल्कुल कहीं कौन नहीं अब छोटे बच्चे ने बुखार आ गयो है कोई लेडीज है अपने प्रेटिंग रहे तो भाई वो किन्नी ले जाओ कट ले जाओ कोई साधन कोई नजदीक तो मेरी मियाँ माने जाने बीकानेर खुद जा रहा दे रहे हो तो कोई हमारी सुने तक को नहीं और अगर आप बात करें बजट तो बजट तो क्या है कि आप लगातार देखता आ रहे हैं कि बजट कोरोना काल में थोड़ा सा विलंब हुए है लेट हुए अभी में तो बजट की थारकन के जानकारी है कद तक है जी आस के कौन है तक कुछ जानकारी कौन अभी तक जीरो बजट है कोरोना के लिए थे के कुछ थार कदम है जका पंचायत के लिए सुविधा करा अरे मतलब जवा मतलब सलाह देवा दो गज दूरी रेवो मास्क राखो और हर काम ने कई 4 आदमी इकट्ठा कोने होने देवा बैठे तो दूर दूर कोई 2 आदमी बैठो तो दूर दूर बैठो और मास्क राखना बहुत जरूरी है प्राथमिक विद्यालय भी मैं क्वारंटाइन सेंटर बना दिया 2 हॉल 15 से 20 बेड लगा दिया और गांव में छिड़काव करा दियो दवाई रो और तेरा जगह आई आई सलाह दो कभी दूरी बना के रखो और छोटा छोटा बच्चों जगह तीसरी लेयर चाले भी यार बच्चों पर ध्यान रखो आई चीज़ और तुम कहीं कोई वगैरह सरकार तरफ और तो कोई किट वगैरह तो बांटे जाए कौन दवाई वगैरह और मैं आज की सलाह देने गाँव रे और थाने ऊपर कोई निर्देश मिलेगा कहीं कौन मिले एसडीएम साहब रोड रे एसडीएम साहब अट भेजियो और माने ग्राम से के एसडीएम साहब सागे और तहसीलदार साहब सागे मुलाकात करी बा माने आ बात बताई कि साना नहीं बता दे बज्जू क्षेत्र के लिए कि बा आ बात बताई कि मारो है जो को सामंजस्य है जो को पंचायत सागे बैठ रहे है और मैं वो तो बैठो है बा माने बा एक दवाई भेजी वो मैं 3 मारा गांव पड़े हैं 3 गांव में बस ट्रैक्टर लगा बस सैनिटाइज बस पूरे पर स्प्रे करा देने गलिया में गांव में जो सार्वजनिक जगह है हॉल है बट बस लगा कर दिया काम मंत्री साहब रो अर्जुन राम जी रो गोद लीड़ो गांव है और गांव की स्थिति आप देख लो।
अच्छा अर्जुन राम जी को, अर्जुन राम जी मेघवाल जी का मंत्री है अभी और मांगो गोद लेडो है, गोद लीडो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री साहब अर्जुन राम जी मेघवाल साहब रो गांव गोद लीडो है और गांव री स्थिति देख लो लाइट। देखो एक बात, एक बात साफ कहना चाहूंगा कि थे एक बार ढंगू सुनियो वेलो दोबारा सुना देता ने, अर्जुन राम जी जगह केंद्रीय मंत्री है बंगो गांव गोद लेड़ो है और भी मंत्री साहब का गोद लेड़ा गांव में आ हालत है कि बच्चा की पढ़ाई के लिए आठवीं तक स्कूल है, पीने को पानी को नहीं, हरियो पानी पिए, लाइट नहीं है, सड़का नहीं है, तो नहीं अब थे सोचो कि जका मंत्री अठे मतलब मंत्री आवे भी है और बांगो गोद लेड़ो है तो भी अच्छी तरह जाने भी है, बांग लिस्ट में भी है, तो बांग अगर गाँव की हालत है तो सामान्य गाँव की है जी क्या हालत हो उसके, बड़ो गाँव है आबादी बढ़ गई कम से कम, छोटा गांव पहली थोड़ा घर 150 घर अब 450 घर गया, गांव की आबादी कौन है, एक तो आबादी कोई विस्तार कौन है, कई बार अधिकारियां दे चुका तो आबादी हुए कौन है, तो ई गांव की हालत कितनी खराब हो चुका है कम कम थे अंदाजो आज लगा चुका होला। अगर कोई ईसो गांव जो को आस पास है कोई सुविधा नहीं है, बड़े कोई मंत्री तक ना पहुंचे, बड़े कोई गोद ना लेड़ो हुए बीकानेर क्षेत्र में, ऐसा कई गाँव दबेड़ा है और इसे कई दबेड़ा गाँव की आवाज आप लगातार उठावांगा, लगातार जावांगा और लगातार जगह राजनीतिक स्तर पर नुमाइंदा बैठा है बैठे तक आवाज पहुंचाने को काम करांगा, बस थे मारो एक साथ दे दियो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ऊपर तक आवाज पहुंचे, मैं यहाँ ही आपकी यात्रा है जकी जारी रखांगा, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करा, घर में रहो, सुरक्षित रहो और 2 गज की जकी दूरी है पा बना के रखो, देश जीतेगो और कोरोना हारेगो। जय राजस्थान, जय हिंद, जय बीकाना।